तो अब जैसे मैंने क्या बताया कि ये सारा प्रॉपर्टी हम इस ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे हैं ना, तो इसमें से हिडन तो हुआ ही नहीं कुछ भी। ऑब्जेक्ट हर एक चीज को एक्सेस कर पा रहा है। अब मुझे ये चीज को रिस्ट्रिक्ट करना है। आई शुड नॉट अलाउ दीज थिंग, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ, जो मैंने बताया डेटा हाइडिंग का एक्सप्लेन किया था ना, कि हमारी सीक्रेट कैसे रहेगी, कब रहेगी, राइट, जब हम इसको हाइड करेंगे। तो हाइड करने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर छोड़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में डेटा हाइडिंग नहीं होता है, ठीक है। यहां भी लिखना पड़ेगा क्लास। अब जैसे ही क्लास लिखता हूं और कंपाइल करता हूं, यू सी सो मेनी एरर्स विल कम। एरर्स पढ़ लो, ये सब में एरर सिमिलर आएंगे। क्या है? रोल नंबर इज प्राइवेट, नेम इज प्राइवेट, एज इज प्राइवेट, जेंडर इज प्राइवेट, स्टैंडर्ड इज प्राइवेट, रोल नंबर इज प्राइवेट, प्राइवेट 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 वाला एरर आ रहा है। मैंने आपको बताया था प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी, याद कराया था, डिस्कस कराया था ना, बताया था ना, राइट। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि ये देखो, पहले तो ये देखो, ये जो एक स्कोप है, यानी इसको हम कर्ली ब्रैकेट को स्कोप बोलते हैं ना, स्कोप बोले या फिर हम बोले कि भाई ये ब्लॉक बोले, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों अलग ब्लॉक है। टेक्निकली अगर मैं बोलूँ, इस तरह से बोल सकता हूँ अगर रियल लाइफ से, कि ये दुनिया और ये दुनिया दो अलग दुनिया है। जो वेरिएबल इसके अंदर है उसको हम यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। जो वेरिएबल्स, रोल नंबर लिखा है, मैं डायरेक्टली रोल नंबर यहाँ लिखूंगा तो क्या होगा, रोल नंबर इज इक्वल टू 10 चलेगा, ये क्या बोलेगा, रोल नंबर तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रोल नंबर यहाँ डिक्लेयर नहीं किया, इधर डिक्लेयर किया है। यहाँ हमने S1 डिक्लेयर किया है ना, अब S1 के अंदर रोल नंबर है ना, तो हमने लिखा S1 डॉट रोल नंबर। तो हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, हम तो S1 एक्सेस कर रहे हैं, S1 के थ्रू रोल नंबर एक्सेस कर रहे हैं, है ना। अब मुझे ये भी अलाउ नहीं करना है कि S1 के थ्रू मैं ये भी क्यों बताऊं कि आपको रोल नंबर एक्सेस करना है, मुझे वो भी नहीं बताना है। अब मेरे को ये बताओ कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी, मैंने बोला ना, बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, राइट, बहुत सारी और भी हैं, लेकिन मुझे सारा डेटा एक साथ नहीं पूछना है, अलग अलग फंक्शन बनाने सबके। किसी में मैं फॉर्म 1 में पूछूंगा इतनी चीज़ें, फॉर्म 2 में दूसरी चीज़ें, फॉर्म 3 में तीसरी चीज़ें। आप एडमिशन फॉर्म भरते हो, कितने सारे बनने होते हैं ना, उसके अंदर सब अलग अलग फॉर्म में अलग अलग चीज़ पूछते हैं ना। प्रॉपर्टीज तो सारी स्टूडेंट की है, लेकिन फॉर्म सब में अलग अलग पूछा है, अलग अलग पूछा है, अलग अलग पूछा है। इसके अलावा ही बहुत सारी होती है जो हमसे पूछते भी नहीं शायद, है ना, राइट, जो हमारे लिए लिखते हैं वो लोग, तो हमें पता ही नहीं है, वो हमसे हिडन है। जो हमसे पूछ रहे हैं पता है, जो नहीं पूछ रहे हमसे हिडन है। तो हम यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो जैसे ही मैंने यहाँ क्लास कर दिया तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्राइवेट हो गई। प्राइवेट होने की वजह से ऑब्जेक्ट से इस प्रॉपर्टी को हम एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मैं लिख रहा था ना, S1 डॉट लगा था तो क्या आ रही थी, पूरी लिस्ट आ रही थी ना। अब S1 डॉट लगाया, देखो कोई लिस्ट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी प्राइवेट है, ऑब्जेक्ट को प्राइवेट प्रॉपर्टी दिखती ही नहीं। अब जैसे ही मैं यहाँ प्राइवेट की जगह विजिबिलिटी पब्लिक कर दूंगा, रिमेंबर यहाँ लिख देता हूँ पब्लिक और कॉलन, राइट, मैंने लिखा पब्लिक और कॉलन, तो ये क्या किया, इसको मैंने विजिबिलिटी पब्लिक कर दी, यानी इट इज अ पब्लिक एक्सेस, इट इज नथिंग बट इट इज ओनली अ स्ट्रक्चर नाउ। ये स्ट्रक्चर ही हो गया, ये क्लास नहीं, अभी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ही है। देखो अब देखो, कंपाइल करो, यू सी देयर इज नो एरर, कोई एरर आया? आप रन भी करोगे, कोई एरर नहीं आएगा, रन होगा। तो फिर इसमें अगर मैंने पब्लिक लिख दिया तो क्लास और स्ट्रक्चर का फर्क क्या हुआ? फर्क नहीं हुआ ना। तो मैं इसको तो पहले तो भाई प्राइवेट करूंगा नहीं, पब्लिक करूंगा नहीं, राइट, पब्लिक में कुछ और करूंगा, राइट, पब्लिक में क्या करूंगा, मैं यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, अगर मैंने टेक्निकल बोलूं तो ये मेरे डेटा मेंबर्स हैं, है ना। अब मेरे को डेटा मेंबर एक्सेस कैसे करते हैं, याद करो मैंने बोला कि पेन के अंदर आप इंक कैसे एक्सेस करते हो, विद द हेल्प ऑफ राइटिंग द फंक्शन। अब मैं इनको एक्सेस करने के लिए यहाँ एक्सेसर फंक्शंस बनाऊंगा, आई डिक्लेयर फंक्शंस के void get data, ये प्रोटोटाइप करो या डिक्लेयर करो जो भी करो। अब ये देखो, ये get data इसी क्लास के अंदर का फंक्शन है ना, तो टेक्निकली देखा जाए तो get data फंक्शन के लिए ये ग्लोबल वेरिएबल है, है कि नहीं, समझ रहे ना, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, पता है ना, ये इसके अंदर होते तो लोकल है, टेक्निकली ये ग्लोबल है, तो ये फंक्शन तो इनको एक्सेस कर ही सकता है। तो क्या मैं ये ऐसा नहीं कर सकता, लेट मी टेक दिस, यहाँ से कट करता हूँ और गेट डेटा मैं यहाँ लेके आया और पेस्ट कर दिया। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊंगा, इसको क्या दूंगा, सी आउट
enter information of student slash n. अब यहाँ सी आउट एंटर रोल नंबर. अब सी इन, सी इन में डायरेक्ट एक्सेस है, यहाँ पे एस थ्री नहीं, रोल नंबर इधर ही है ना, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, है ना. अब यहाँ क्या लिखूंगा, सी आउट एंटर नेम, फिर सी इन इग्नोर, और सी इन डॉट गेट टाइम क्या लिखेंगे, नेम कॉमा 20, है ना. अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यू आर नॉट एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट, यू आर एक्सेसिंग डायरेक्ट. ये फंक्शन इसको कैसे कर रहा है, फंक्शन डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है ना. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तुम्हारे चेहरे मुझे तो वैसे दिख रहा है, पता नहीं क्या, समझ रहे हो कि नहीं. ये फंक्शन इन डेटा मेंबर्स को डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है, पक्का ना, क्लियर है ना. तो अब इस फंक्शन को मैंने पब्लिक में रख दिया, राइट. तो अब रोल नंबर, राइट, एक ये हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, स्टैंडर्ड, वेरी गुड. चलो समझ रहे हो तो अच्छी बात है. अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से. सो यहाँ क्या करूंगा, स्टूडेंट S1, S2, S3. अब यहाँ एस वन डॉट लगाते ही देखो क्या आता है, यू सी टू गेट ओनली वन थिंग, गेट डेटा. क्यों, क्योंकि पब्लिक में एक ही पार्ट है, गेट डेटा. तो अगर आप गेट डेटा आप ले रहे हो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट, इफ आई रन इट, देखो ये क्या आ रहा है, यू कैन टेक द इनपुट, रोल नंबर 1, नेम नरेन, एज 15, जेंडर मेल, स्टैंडर्ड 10. ये वही रिकॉर्ड आया जो हमने डाला. लेकिन अब क्या किया, क्या अब हमने डायरेक्ट लिया रोल नंबर में इनपुट, हमने किसमें, हमने फंक्शन के थ्रू क्या एक्सेस किया, इनको एक्सेस किया. अच्छा मुझे बताओ, यहाँ और प्रॉपर्टी है, फ्लोट मार्क्स, राइट, स्ट्रिंग, ईमेल आईडी, ठीक है, और भी हो सकता है, स्ट्रिंग फादर नेम, स्ट्रिंग मदर नेम, हो सकता है, नहीं हो सकता है, देखो. अब मुझे बताओ, अब ये और भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये फंक्शन से मैंने क्या किया है, सारा लिया है क्या, तो वी कैन कन्वर्ट द डिफरेंट वे, वी कैन क्रिएट डिफरेंट, ओके, वॉइड गेट पेरेंट्स डेटा, ले सकता हूं ना अलग. तो जब मैं S1 डॉट गेट पेरेंट्स डेटा लूंगा, या लू या ना लू, ऑप्शन हो गया ना मेरे पास. अब मैंने टेक्निकली, मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट को क्या पता है, इस ऑब्जेक्ट को, अब आप ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, इस ऑब्जेक्ट को क्या पता कि यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट को सिर्फ पब्लिक वाला दिख रहा है ना, गेट डेटा और गेट पेरेंट्स डेटा, राइट. तो ये डेटा हाइडिंग हो गया कि नहीं हो गया, हाँ, अच्छा हाइडिंग हो गया. अब ये बताओ, आप गेट डेटा में क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को पता चला ना मैं क्या कर रहा हूँ, पता चला ना मैं इनपुट ले रहा हूँ, राइट, कहाँ कहाँ इनपुट ले, पता है. तो ये क्या हुआ, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ. और ये जो आपने पूरी क्लास डिफाइन की, इसको क्या बोलेंगे, एनकैप्सुलेशन, रैपिंग ऑफ द डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, व्हिच कैन बी टर्म्ड एज अ क्लास एज वेल एज नोन एज एनकैप्सुलेशन. देखो थियरी प्लस प्रैक्टिकल सब एक्सप्लेन कर दिया, राइट. इस फंक्शन को टेम्पररी चेंज कर लेता हूँ, गेट डेटा के बाद शो डेटा. अब शो डेटा मतलब आउटपुट हुआ, ये हुआ इनपुट के लिए, टेकिंग इनपुट फॉर डेटा मेंबर्स, ठीक है, फंक्शन टू फॉर टेकिंग इनपुट फॉर डेटा मेंबर्स. अब ऐसे ही फंक्शन फॉर शोइंग आउटपुट ऑफ डेटा मेंबर्स, ठीक है. अच्छा अब हम इसमें एक और चीज कर सकते हैं, लेट मी से, चलो एक और देता हूँ, चलो फ्लोट फीस कर देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर. अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक लॉजिक लगाते हैं, एक कैलकुलेशन फंक्शन बनाएंगे, वॉइड कैलकुलेट फीस. इसका कोई, मैं ऐसे ही लॉजिक लगा रहा हूँ, कोई सिंपल, कोई ऐसे नहीं, बिना तुक्के पे. इफ एज इज ग्रेटर देन 15 तो तुम्हारी फीस होगी 15,000, अदरवाइज तुम्हारी फीस होगी 10,000. इसका कोई लॉजिक नहीं है, तुक्का है ऐसे समझाने के लिए, हमने ये कैलकुलेशन खाली देख रहे हैं, फीस कैलकुलेट करनी है मुझे, और उससे मैं फीस को असाइन करूंगा. देखो हम फीस का इनपुट ले रहे हैं क्या,
लेकिन फीस तो हमारा मेंबर है ना, इधर डेटा मेंबर है ना, ठीक है ना। तो मैं कैसे करूँगा, देखो शो डेटा में दिखाऊंगा कैसे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट डेटा और शो डेटा, शो डेटा में डिस्प्ले करना है इन्फॉर्मेशन, और ये हमारा इनपुट हो गया स्टैंडर्ड एज, यहाँ पे इनपुट होगा ना, यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट फीस। ये क्या करेगा, ये फीस कैलकुलेट करेगा एज पर द एज। तो एज की वैल्यू यहाँ से जा रही है, कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट में जा रही है, और जैसे ही जाएगी ऑब्जेक्ट से वो कंपेयर होगी, और कंपेयर होकर फीस असाइन होगी कैलकुलेट फीस के थ्रू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझे। जो वैल्यू डालेंगे राइट कैलकुलेट होगी यहाँ, और अकॉर्डिंगली मैंने ऐसे नहीं लिखा इनपुट करो सी इन फीस, मैंने ये चाहता तो ऐसे कर सकता था ना, एंटर फीस और सी इन फीस कर सकते थे, और ऐसे भी कर सकते थे फीस इज इक्वल टू कैलकुलेट फीस, ऐसा भी कर सकता था। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे रिटर्न टाइप करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा रिटर्न फीस राइट। लेकिन फीस तो मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया रिटर्न टाइप वाला बनाया नहीं, रिटर्न के लिए फिर मुझे इंट लिखना पड़ता है या फ्लोट लिखना पड़ता है ना, फंक्शन सीख ले फंक्शन के टाइप। तो यहाँ डायरेक्टली लिखा कैलकुलेट करो फीस, और फीस इसमें स्टोर हो जाएगी, तो यहाँ से हमें इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ आउटपुट दिखाना है। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, हाँ हाँ शो डेटा में भी कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों जगह करके दिखाता हूँ। इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, यहाँ रोल नंबर, और क्या आएगा रोल नंबर, और क्या आएगा एंड, ठीक है, और नेम। प्रेजेंटेशन आप बाद में कैसे भी कर सकते हो राइट, प्रेजेंटेशन आपको पता है ना कैसे भी कर सकते हैं बाद में, सेट डब्ल्यू भी यूज कर सकते हैं, पता है ना सेट डब्ल्यू, नेम एज। मैं फिर भी थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करता हूँ जितना हो राइट, प्रेजेंटेबल बनाने की अच्छी चीज़ है, आदत होनी चाहिए। जेंडर समझ में आ रहा है बेटा सबको, किसी को भी डाउट है, किसी को भी नहीं ना, पक्का समझ में आ रहा है। अच्छा बताओ समझ में साथ में इजी भी लग रहा है कि लग रहा है कि नहीं सर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, ऐसा तो नहीं लगा क्या कितना इजी है सर, कितना फास्ट करते हैं उनसे भी हो जाएगा हम भी कर लेंगे सर ये फटाक से, आप तो इतना जल्दी करते हो, बहुत इजी है, अबे मेरी बहुत प्रैक्टिस की हुई है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा मत सोचना, और इसको ऐसे मत ले लेना कि हाँ मैं बोल रहा हूँ इजी है, इजी तब है जब आप इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। देखो अब आप बोलते हो कैलकुलेट फीस मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ ही लिख के यहाँ, अब फिलहाल इसको कमेंट रखते हैं, देखते हैं दोनों में फर्क तो नहीं आ रहा है, ठीक है ओके। नाउ ये हो गया, हमने एक दो तीन फंक्शन बनाए, एस वन डॉट गेट डेटा, अब एस वन डॉट शो डेटा, गेट डेटा शो डेटा। अच्छा मुझे बताओ ये कैलकुलेट फीस हम एस वन के थ्रू अलाउ कर सकते हैं क्या, नहीं करना है ना, मैं एस वन के लिए तो एक्सेस ही नहीं दे रहा हूँ, तो इसको कट करो और इसको ले जाओ प्राइवेट में, समझे, क्यों देने का ये राइट, ऑब्जेक्ट को क्यों देने का भाई, तेरे को तो ये भी कर, पढ़ाई बच्चा नहीं हो जाएगी फालतू की, ये हमने उसे छुपा के रखा, ऑब्जेक्ट भी छुपा दिया ना हमने, जस्ट लाइक दिस राइट। रन करते हैं, लेट अस सी, एज इज रोल नंबर वन, नेम ले लेते हैं विकास, एज ले लेते हैं 16, जेंडर ले लेते हैं मेल, स्टैंडर्ड ले लेते हैं 10, देखो फीस आ गए 15,000 अपने आप ही, ओके एस वन, अब एस टू दो साथ में करते हैं, ठीक है, और एक काम करते हैं यहाँ पे स्लैश एन एक्स्ट्रा देता हूँ ताकि हमें पता चले, अब देखो दो का इनपुट आएगा साथ में राइट, पहले लेते हैं रोल नंबर वन, नेम लेते हैं विकास, एज लेते हैं 16, जेंडर लेते हैं मेल, स्टैंडर्ड लेते हैं 10, रोल नंबर लेते हैं अगेन टू, यहाँ लेते हैं राइट प्रकाश, ओके इसका एज लेते हैं 14, जेंडर लेते हैं मेल, और एज स्टैंडर्ड सेम लेते हैं 10, देखो दोनों सेम स्टैंडर्ड में बिकॉज ऑफ एज ये फीस अलग आ रही है राइट। तो हमारे तीनों फंक्शन प्रॉपर काम कर रहे हैं, ये गेट डेटा काम किया राइट, ये शो डेटा काम किया, और ये आउटपुट जो आया ये कैलकुलेट से आया राइट। अब आपका सवाल था कि ये कैलकुलेट फीस यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, देखो यहाँ पे रखा, यहाँ से हटा दिया, दोबारा कंपाइल करते हैं, वन डालते हैं, अगेन वही डाटा डालते हैं, विकास एज 16,
then the male standard 10, right, roll number 2, Akash, right, age 14, then the male standard 10. अब ये अगर सेम आया तो मतलब दोनों जगह काम कर रहे हैं, देखो व्हाट हैपेंड भाई, कितना जोर से लग गया, हाँ देखो आया प्रॉपर। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, क्या क्या चीज सिखाई, ऑब्जेक्ट कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना सिखाया कि ऑब्जेक्ट कैसे बना। तो यहाँ कितने ऑब्जेक्ट बनाए, मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए। मैंने आपको ये बताया कि ऑब्जेक्ट का मतलब टेबल जैसा ही होता है, बताया ना ये। तो आप जब भी कुछ विजुअलाइज करो तो आप ये देखना कि पहले मैं पेन पेपर पे टेबल पे कैसे बनाऊंगा डेटा। जब ऐसे करोगे तो आपको इजी लगेगा, हाँ यार ये तो सिंपल है, ये तो प्रॉपर्टीज है ना, ये क्लास का नाम है, टेबल का नाम यानी क्लास का नाम, ये यानी प्रॉपर्टीज, यानी क्या हुई, यानी ये हुई आपके प्रॉपर्टीज, यानी आपके एट्रीब्यूट्स, या आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स, या आप बोल सकते हो फील्ड नेम जो है वो मेरे क्लास के वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ना क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए है ना। उसके बाद ये रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन टेबल में क्या होता है, हम सारा रिकॉर्ड जो है सामने देख के लिखते हैं। अच्छा इधर कुछ हो जैसे सम, राइट, तो सम यहाँ पे इनपुट थोड़ी, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे ना, यहाँ फंक्शन डालेंगे ना, इज इक्वल टू सम समथिंग है कि नहीं, सम करके कुछ डालेंगे ना इधर, तो वो फंक्शनलिटी होगा, इनपुट थोड़ी होगा। इस टेबल में भी फंक्शन आ सकता है ना, तो ये क्या किया, इस टेबल को ये फंक्शंस आ गए, राइट, समझ में आया। फिर डेटा हाइडिंग बताया, प्रोटेक्टेड प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और सॉरी पब्लिक और प्राइवेट में, प्रोटेक्टेड नहीं बताया वो बाकी है, प्रोटेक्टेड भी होता है, मैंने आपको डिस्कस किया था पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट। पब्लिक विच कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, रिमेंबर डायरेक्टली एक्सेस बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय एनी अदर वेरिएबल, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास, स्टूडेंट एस वन एस टू एस थ्री, ऐसे ही हो सकता है पर्सन करके भी क्लास हो, ठीक है, तो पी वन डॉट करके रोल नंबर एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है ना, पी वन डॉट नेम एक्सेस कर सकता है अगर होगा उसका, तो अगर उसकी प्रॉपर्टी होगी पर्सन की तो, ठीक है ना, अगर होगी तो डायरेक्टली, ठीक है ना, लेकिन ये पी वन कोई भी प्रॉपर्टी इनमें से एक्सेस नहीं कर सकता, ना इनमें से ना इनमें से पब्लिक, ये कब होगा कैसे होगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको एक्सेस नहीं दे सकता, वो प्रोटेक्टेड में हम सीखेंगे, समझेंगे क्या होता है, फ्रेंड्स क्या होते हैं, याद है ना फ्रेंड बताया था मैंने, राइट, कि फ्रेंड को हम बोलते हैं ना ये चीज़ तू भी एक्सेस कर ले, भाई ये मेरी चीज़ है तू भी एक्सेस कर सकता है, होते हैं ना फ्रेंड्स, राइट, क्या होता है कि हाँ यार चलो मैं खाना लाया हूँ साथ में शेयर करके टिफिन खाते हैं, नहीं नहीं मैं अकेला ही खाता हूँ किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो हो गया प्राइवेट, नहीं मैं सबके साथ शेयर करता हूँ फ्रेंड के साथ शेयर कर सकता हूँ, हो गया प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। अच्छा ये खाना पड़ा है जिसको खाना खा के जाओ बाहर रखा है पब्लिक, एक ही एग्जाम्पल तीनों विजिबिलिटी में बता रहा हूँ, इस तरह से होता है, राइट, जिसको बोले लंगर लगा आओ कोई भी खा जाओ, राइट। तो ये मैंने तुमको समझाया, अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कुछ क्लासेस बनाने हैं, उसके अंदर फंक्शन डिक्लेयर करोगे, मैं कुछ जो है आपको प्रोग्राम शेयर करता हूँ और वीडियो अपलोड करके उस लिंक में भी डाल देता हूँ, अगर आप घर पे बैठे हो कभी भी उसको डाउनलोड भी कर लेना, प्रोग्राम्स में या लिंक डाल देता हूँ और आपको शेयर भी कर देता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासेस बनाओ, प्रैक्टिस करो, इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा 50% से ज़्यादा काम पूरा, आई एम सेइंग 50% से ज़्यादा काम पूरा, ये बेसिस है, बेसिक क्लियर होती है तो मतलब एकदम स्ट्रांग होता है। आगे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जहाँ लॉजिक्स आएंगे, जहाँ मस्त कॉन्सेप्ट्स आएंगे लॉजिक्स आएंगे, वहाँ पे हमारा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बड़े बड़े लॉजिक लगेंगे, कोड छोटे होंगे लेकिन लॉजिक बड़े, तो अब नेक्स्ट सीखा, ठीक है।